नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। बिहार में एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है और इस बार ये चेतावनी बिहार के 10 जिलों के लिए जारी हुई है। बता दें कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं तो ओलावृष्टि भी देखने को मिल रही है और यही वजह है कि लोगों से सावधान रहने की अपील मौसम विभाग की तरफ से कही गई है। लेकिन सबसे पहले आपको उन 10 जिलों के नाम बताते हैं जहां पे ये अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और अगले 24 घंटे में क्या कुछ मौसम का मिजाज रहने वाला है ये भी आपको बताते हैं। बता दें कि बिहार में गरज के साथ हल्की बारिश होने के गुरुवार तक आसार है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 10 जिलों में पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा और शेखपुरा के अलग अलग स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ ही मेघ गर्जन और हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का पूर्वानुमान है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के तापमान में अगले 2 से 3 दिनों तक तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। ऐसे में 3 दिनों बाद प्रदेश के तापमान में वृद्धि होगी। मौसम विभाग की माने तो पूरे प्रदेश में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवा का प्रभाव 5 मई तक बना रहेगा। प्रदेश में एक चक्रवाती परिसरण का क्षेत्र दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश एवं आसपास के क्षेत्रों में अस्तर से 1.5 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है। इसके साथ साथ एक ट्रफ लाइन पंजाब से बांग्लादेश तक, दक्षिण हरियाणा, दक्षिण उत्तर प्रदेश, दक्षिण बिहार होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर गुजर रही है। इन सभी प्रभाव के कारण मौसम में बदलाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में पटना समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों में पूर्वा हवा के प्रभाव के कारण अधिकतम तापमान में आंशिक गिरावट दर्ज की गई है। 48.6 डिग्री सेल्सियस के साथ औरंगाबाद प्रदेश का गर्म स्थान रहा, वहीं पटना का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री नीचे यानी कि 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सोमवार को 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। ऐसे में बात अगर हम करें तो अगले 24 घंटों में बिहार के 10 ऐसे जिले हैं जहां पे येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया है। खास करके अगर हम पिछले 48 घंटों की बात करें तो कई ऐसे जिले हैं बिहार के जहां पे ओलावृष्टि देखने को मिली है, तेज आंधी तूफान के साथ बारिश भी हुई है और यही वजह है कि आज भी मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा और बारिश के साथ ही मेघ गर्जन की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।